मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एडवोकेट सुभाष बोहत ने चारढोली में घटित गंभीर घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कलेक्टर एवं बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन ईमेल संदेश के माध्यम से प्रेषित किया है। बोहत ने कहा कि पूरे कुरवाई विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश गांवों में विद्युत विभाग की गंभीर लापरवाही के कारण अनेकों बार गंभीर घटनाएं घटित हो रही है। अनेकों बार इसकी शिकायतें मेरे द्वारा स्वयं और सैकड़ों नागरिकों द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों से की गई है। कई बार धरने प्रदर्शन आंदोलन भी सिरोंज कुरवाई और गंज बासुदा में किए गए हैं, लेकिन अधिकारी कर्मचारी बिजली विभाग के सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी घटना आज चाठोली में फूल सिंह अहिरवार उनके ग्रामीण साथी राम सिंह बघेल के साथ बकरियां चरा रहे थे कि अचानक बिजली विभाग की लापरवाही के कारण तार टूटकर गिर गया और दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए और फूल सिंह अहिरवार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके अलावा राम सिंह बघेल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। साथियों, आज एक अत्यंत दुखद घटना मेरी विधानसभा क्षेत्र कुरवाई विधानसभा क्षेत्र जो मेरा कर्म क्षेत्र है वहां घटित हुई है। सिरोंज जनपद के चाठोली गांव में मेरे एक साथी गरीब साथी जो बकरियां चरा रहे थे अहिरवार भैया, इसके अलावा एक राम सिंह बघेल, दोनों चाठोली में लगभग 1 बजे बिजली के तार टूटकर जो घटना घटित हुई है उसमें अहिरवार साथी की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। दूसरे राम सिंह बघेल अत्यंत गंभीर रूप से घायल हैं। मेरे मित्रों, अनेकों बार मैंने और मेरी दोनों बेटियों ने बिजली विभाग को धरने ज्ञापन देकर चेताने का प्रयास किया है, लेकिन किसी प्रकार से विभाग के अधिकारियों ने इस ओर गंभीरता से नहीं लिया और आज चाठोली में यह घटना घटित हो गई है। आज मैंने ईमेल संदेश के माध्यम से कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और बिजली विभाग के महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर उस विभत्स घटना पर न्यायिक जाँच के लिए मांग किया है और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने जिनकी लापरवाही के कारण यह घटना घटित हुई है उनके खिलाफ कार्यवाही करने और मृतक को पर्याप्त मुआवजा राशि दिलाने की मांग मेरे द्वारा की गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।